सोचना ज़रूर कि मुझ जैसी यूट्यूबर के पास अगर शीला बाई का नंबर हो सकता है तो रिहाना बॉस के पास, बॉस के दामाद के पास इसका नंबर नहीं हो सकता, और रिहाना बॉस का दामाद को उसका नंबर निकालने में कितना टाइम लगता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आजकल सोशल मीडिया में जो है ना, सोशल मीडिया में झगड़े चल रहे, नफरे चल रहे, हर कोई हर किसी के खिलाफ वीडियो बना रहा है। चलो मान लिया वो पैसों के लिए जो है, हाँ तो बीच में फोन आया था, तो मैं वही बोल रही थी कि भाई मुझ जैसे यूट्यूबर के पास शीला बाई का नंबर हो सकता, तो रिहाना बॉस के दामाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं शीला बॉस का नंबर लेना। और रही बात सोशल मीडिया में, उसको अपनी बात बोलने की, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हर कोई भर भर के भौतार लगा रहे एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया में। तो वो अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह, तो कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी छापेंगे, खैर खैरियत होंगे। तो जी मैं दोपहर को वीडियो डाल के रिजवाना बाजी का मैं थोड़ा सो गई थी, मुझे थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, उठ के देखे तो बुड्ढी का वीडियो आया, काम करते करते मैं वीडियो देखा, इनके बीच में मैंने अपनी बहन से बात की, अपने एक दोस्त से बात की, एक्चुअली वो मेरे दोस्त है, तो उससे बात की, तो फिर अभी मैं फ्री होगी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने के लिए मैं वापस से आ गई हूँ। तो बुड्ढी जो है, सबसे पहली बात, बुड्ढी आजकल जो है लोगों को बहुत धमकी दे रही है, बहुत उकसा रही है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना कूद रही है। कूदने का कारण ये है कि बुड्ढी को लगता है वो और उसका जो बेटा डोरेमोन बेटा है, अब वो अपनी माँ का जो है इमेज का रक्षा वो कर सकते हैं, और जो फेक चाले है जो वो शुरू से चलती आ रही है, जो जिसके लिए वो फेमस है, आप लोगों को तो पता है, कभी पति के नाम पे गालियाँ देना, कभी पति के बेटे को गाली देना, सौतेले बेटे को कचरा बोलना, कभी पति को ऑटो ड्राइवर से लेकर बगली चोर से लेकर न जाने क्या क्या बोलना, कभी यही हैंडसम हस्बैंड के घर वालों तक जलील करना, उसके बाद यही हैंडसम हस्बैंड को जो कभी बगली चोर हो जाता है तो कभी ड्राइवर हो जाता है, उसको जो है भोला बुलाने के लिए, भोला की भोली, वो इतनी भोली है कि वो कोई भी चाल चलने में वो जो है ना वो पीछे नहीं हटती। अब नया उसका क्या चाल है कि वो लोगों के बच्चों को खींच खींच के ला रही है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है एज ए मदर एंड फादर, एज ए पेरेंट्स, हमारे बच्चे जब आते हैं ना कोई भी चीज़ में तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कोई तो अभी इस टाइम पे अभी फ़िलहाल सब उसकी बजा रहे, सभी उसकी बजा रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो कमज़ोर करना है, तो कमज़ोर करी कौन होता है, इंसान का बच्चा है, तो वो वही बच्चों को पकड़ रही है। तो भाई पहली बात ये है कि तेरे गुर्दे में अगर इतना दम है, तेरे बेटे ने रोस्टिंग का जो पहले दिन वीडियो में जो है ना मरियम आंटी का फोटो लगा, तो मरियम आंटी के बारे में एक शब्द नहीं बोलती, डर गई क्या मरियम आंटी से, हाँ तेरी फटती बहुत है मरियम आंटी और कुलसुम आपासी, ये बात तो है। रिहान आंटी क्या है ना, इंसानियत के नाते तुझे छूट दी थी ना, तो उस छूट का तो फ़ायदा उठा रही है, कभी सना भाभी और इमरान भाई की बेटियों के बारे में बोलती है, तो अभी रिहान आंटी की बेटियों के बारे में बोलने लगी। तो एक बात मैं तेरे को ये अच्छे से समझा देती हूँ, अच्छे से, हाँ मैं अगर किसी का पीछा पकड़ती हूँ ना तो मैं एंड तक नहीं छोड़ती, और इसका गवाह पूरा सोशल मीडिया में है। जब मैंने कटेली का पीछा पकड़ा था ना, तो उस टाइम पे लोगों ने मुझे भर भर के गालियाँ दी, मेरे बारे में निगेटिव कमेंट्स करे, मैंने दोस्तों के वीडियो में देखा, मेरे बारे में वीडियो भी बनाया गया, लेकिन मैंने उसका पीछा एंड तक नहीं छोड़ा, जब तक उसने सोशल मीडिया नहीं छोड़ा। ठीक है, तुम लड़ो बच्चों से, बच्चों के माँ बाप से लड़ो, तुमको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो बच्ची ना सोशल मीडिया में आती है, ना वो बच्ची अपने माँ के व्लॉग बनाती है, माँ बाप के रोमांटिक वीडियो शूट करती है, ना ही वो बच्ची अपने माँ बाप के सुहागरात का बिस्तर सजाती है, ना ही वो व्लॉग में आते हैं, ठीक है। और वो मासूम सी फूल सी बच्ची, उनको दुनियादारी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो सम्मू का जैसा हाल हुआ था ना, वैसा हाल तुम्हारा भी होगा, तो उन बच्चियों को बीच में ना ले आ जाए, क्योंकि उनकी बच्ची क्या मेरी बच्ची क्या, मैं भले ही साना भाभी इमरान भाई से 100 दफ़ा लड़ लूँ, एक बात की बात, लड़ाई तो वैसे हमारी है नहीं, बट 100 दफ़ा मैं लड़ लूँ, लेकिन वो बच्चियाँ जो है ना मेरी बच्ची की तरह है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, वो भी किसी की बेटियाँ है, और किसी की बेटियों को जब खींचा जाएगा ना, तो तुम्हारे बेटे को बिना कपड़ों के नंगा हम सोशल मीडिया में कर देंगे। अब तक कैसे तुम लोग की इज्जत अफजाई हमने की है, कि है ना तुम्हारी पूरी वाट लगा के रख दी ना तेरी हमने सोशल मीडिया में, तेरी तो कोई इज्जत बची नहीं है, जो इक्का दुक्का तेरे को जो है ना कमेंट अच्छे करने वाले वो भी पेड़ है कि नहीं है। तो उन बच्चियों के बीच में मतलब उनके बच्चियों के माँ बाप से लड़, ठीक है, अगर तेरे जी में दम है ना तो उनके माँ बाप से लड़, तेरे जी में दम नहीं है तो एक्चुअली क्या है ना, तो हार मान गई, इसीलिए हर किसी के बच्चों को पकड़ लिया। तो बच्चों को एक बार पकड़ने से पहले कटेली का क्या हाल हुआ था ना वो एक बार याद कर लेना, क्योंकि तुझे कोई भी नहीं बख्शेगा, अभी तो सब खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, अगर ये मैटर वापस से उछला तो फिर तुम्हारे तो खटिया हम खड़ी कर देंगे। और मैं स्पेशली मैं बोल रही हूँ,
मैं अगर किसी का पीछा अच्छे से पकड़ लेती हूँ ना, तो फिर उसको सोशल मीडिया से भगाए बगैर चाहे मैं मर जाऊँ, मैं पीछा छोड़ती नहीं हूँ। और रही बात रिहाना बॉस आंटी के दामाद की, तो मुद्दे की बात यह है कि रिहाना बॉस के दामाद अगर तेरे को आके रिहाना आंटी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो आजकल इंस्टाग्राम हर कोई यूज़ करता है, यूट्यूब हर कोई यूज़ करता है। भाई यूट्यूब में वो बंदा बोले या ना बोले, इंस्टाग्राम पे आके तो बोल ही सकता है कि नहीं है। तो जब लाइव में आती है तो वो लाइव में आके रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और भाई पहली बात तो ये है, अगर उसको कुछ बोलना है तो वो तेरे पास आके क्यों बोलेगा? बोलने के लिए तो मुंबई में और भी सारे लोग हैं, और तेरा नंबर निकालना कोई बड़ी बात तो उसके लिए है नहीं। वो रिहाना बॉस का दामाद है अगर, तो वो किसी के पास से भी तेरा नंबर तो वो ढूंढ के निकाल ही सकता है। बुड्ढे को फ़ोन करने की बिल्कुल जरूरत, अगर मुझ जैसी औरत के पास तेरा नंबर हो सकता है, ये तो पूरे सोशल मीडिया को पता है कि मैंने तेरे को मैसेज किया था कि नहीं। मुझ जैसी औरत के पास जो औरंगाबाद में रहती है, तो मुंबई बेस्ड है, भले ही एक रात की दूरी हो, हमारा डिफरेंस जो भी है बाय रोड का डिस्टेंस जो भी, एक रात की दूरी हो, अगर मेरे पास तेरा नंबर आ सकता है, तो रिहाना बॉस के दामाद के पास तेरा नंबर नहीं आ सकता? स्ट्रेंज बात है ना भाई, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि भाई मुझ जैसे छोटी यूट्यूबर के पास सारा सत्तानी द ग्रेट बिग यूट्यूबर का नंबर अगर आ सकता है, तो रिहाना बॉस के पास जिसका ससुराल जिसका घर मुंबई में है, उसके पास सारा सत्तानी का नंबर नहीं आ सकता? तो जो है ना, तेरा स्क्रिप्ट में दम नहीं है। मैं पहले से बोलती थी कि तेरे स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है। दूसरी बात, उसको अपनी बात रखने के लिए वो इंस्टाग्राम पे आके भी खुला वीडियो बना सकता है। तो आजकल हर कोई बना रहा है, मियाँ बीवी की इज्जत उछालना, ससुराल वालों की इज्जत उछालना, ये तो ट्रेंडिंग में आ गया है। तो अगर उसको रिहाना आंटी के बारे में कुछ बोलना होता, रिहाना आंटी को अगर बदनाम करना ही होता, तो वो तो सोशल मीडिया का सहारा ले ही सकता है। वो आके खुद से बोल सकता है ना कि अपनी और अपनी बीवी का फोटो शो करके कि भाई मैं रिहाना बॉस के दामाद हूँ, और ये मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरा बीवी वैसी है, मेरी बीवी ऐसी है। भाई हाजी मस्तान जैसा आदमी अगर मुंबई में रह के एक ही शहर में बीवी के साथ, अगर बीवी के शहर में रह के ही वो बीवी के बारे में लाइव आके हो सकता है, हारून कुरैशी जो रिजवाना का पति है या फिर तेरा पति, लाइव में आकर अगर बोल सकता है, तो रिहाना बॉस का दामाद ही बोल सकता है, उसको तेरा सहारा लेने की क्या जरूरत है? इसलिए ये आप लोग ना जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो ना, ये सोचना जरूर कि मुझ जैसी यूट्यूबर के पास अगर शीला बाई का नंबर हो सकता है, तो रिहाना बॉस के पास, बॉस के दामाद के पास इसका नंबर नहीं हो सकता? और रिहाना बॉस का दामाद को उसका नंबर निकालने में कितना टाइम लगता है? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आजकल सोशल मीडिया में जो है ना, सोशल मीडिया में झगड़े चल रहे हैं, नफरे चल रहे हैं, हर कोई हर किसी के खिलाफ वीडियो बना रहा है। चलो मान लिया वो पैसों के लिए जो है, हाँ तो बीच में फ़ोन आया था, तो मैं वही बोल रही थी कि भाई मुझ जैसे यूट्यूबर के पास शीला भाई का नंबर हो सकता, तो रिहाना बॉस के दामाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं शीला बॉस का नंबर लेना। और रही बात सोशल मीडिया में उसको अपनी बात बोलने की, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हर कोई भर भर के भौताल लगा रहे एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया में। तो वो अगर उसके जिगरे में इतना दम है, और अगर वो सच में रिहाना बॉस का दामाद है, और अगर सच में उसको सास के बारे में और बीवी के बारे में कुछ बोलना है, तो सोशल मीडिया में आके वो वीडियो बना सकता है कि नहीं है? उसको शीला भाई के सहारा लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। और अगर रिहाना बॉस के दामाद के साथ इतना ही ख़राब अगर कुछ रहा होता, तो अब तक तो सोशल मीडिया में वो बात आ ही जाती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम यूट्यूबर कोई भी कहीं से भी खुशबू मिलता तो हम सुनते सुनते चले जाते, वहाँ से कंटेंट ढूंढ ढूंढ के निकाल लाते। तो ये जो तू तो कर रही है ना बुढ़िया, 50 साल की तेरी उम्र बताती है, टिकटॉक बंद हो के भी कम से कम 5-6 साल हो गए, लेकिन तेरा 50 साल अभी जो है ना आगे बढ़ता नहीं रहा। मुझे लगता है तेरी उम्र की काउंटिंग की जो घड़ी है ना, एज काउंटिंग की जो वॉच है, क्लॉक, वो शायद बंद हो गई है। तो जब कबर में जाएगी ना, तेरे दाता वाता सब गिर जाएंगे, वाला वाला सफ़ेद हो जाएंगे, तब भी तू 50 की ही बोलेगी खुद को। खैर अच्छी बात है, तू 50 की रहे या फिर 60 की रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखती तू 60-65 की है। तेरी लटकी लटकी हुई जो चमड़ी और तेरे मुँह की रिंकल्स और तेरे जो मनहूस जो शक्ल है, वो सब बताती है कि तेरी उम्र कितनी है। बोलते हैं ना कि शक्ल बता देती उम्र कितनी है कितनी नहीं है। और रहा बात ये दूसरों को जो बच्चों को तू टारगेट कर रही है ना, तेरे अंदर का जो भरास है, जो जलूस है जो तू निकाल रही है ना, ये करना तो बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक पहले जो थी ना, पब्लिक थोड़ा सा बेवकूफ़ थी, तुझे जानते नहीं थे, तो इसलिए तेरी बातों में आ जाते थे।
अब जो है ना पब्लिक को जो है ना हर चीज़ में लॉजिक और प्रूफ चाहिए होता है। और भाई ये सच में रिहाना बॉस का जो दामाद है इसका क्या है गारंटी, क्योंकि इससे पहले तुम लोगों ने कुरान पाक उठा के भी अस्ताना में बैठ के बहुत सारी सच सच बात जो है कस्मे वादे खाए थे। क्या हुआ इस कस्मे वादों का? फिर तूने बोला था उमरा से आके कि मेरे सर से दुपट्टा नहीं हटेगा, तो तुझ जैसी औरत, दोगली औरत जो पल में माशा पल में तोला हो जाते हैं, जिसके हमने न जाने कितने सारे प्रूफ जो है मैंने हमने दिए हैं अपने वीडियो में, तुझ जैसी औरत जिसके जबान का कोई भरोसा नहीं है, उस औरत के पास आके रिहाना बॉस के दामाद अपनी सास की बुराइयां करेगा। गेम तो तूने अच्छा खेली है और स्क्रिप्ट भी अच्छा लिखा, लेकिन स्क्रिप्ट में तेरा जो है ना दम नहीं है, तेरे राइटर को ना बदल दे, क्योंकि हम जो बैठे हैं ना यहाँ पे हम रथी महारथी बैठे तेरे जो झूठ है वो पकड़ने के लिए। तो तू एक काम कर, कोई महंगा सा जो राइटर है ना उसको ले, क्योंकि तेरा राइटर जो है ना वो सस्ता राइटर, उसके स्क्रिप्ट में दम नहीं है। और अभी क्या है ना कि पब्लिक जो है ना वो जागरूक हो रही है, उनका दिमाग थोड़ा सा और डेवलप हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता तेरे पेड जो है ना पेड सब्सक्राइबर उनके अलावा कोई भी तेरी बातों में भरोसा करेगा, क्योंकि उस बातों में दम ही नहीं है। दम कहाँ से होगा भाई? रिहाना बॉस के दामाद को अपनी बात बोलने के लिए इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब छोड़ के सारा सत्तानी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, साथ लेना पड़ रहा है। और रहा सवाल दूसरी बात कि सारा सत्तानी से मतलब के बात करने के लिए उसके पति को कॉल करना पड़ रहा है, ये जो तुमने स्क्रिप्टेड किसी और को उठा के ला के जो किसी से ही बात करके स्क्रिप्टेड जो उसको बोला हाँ तो ये बोल हम चलाएंगे, भाई तू व्हाट्सअप का तो दिखा तो सही स्क्रीनशॉट, तो हर चीज़ दिखा सकती, तो अपना बॉडी तक शो कर सकती है, मेरा नंबर तो वायरल कर सकती है, तो रिहाना बॉस का नंबर बेटे मतलब दामाद का नंबर तो दिखा ही सकता है। बोलती रिहाना बॉस का बेटा, रिहाना बॉस का बेटा, रिहाना बॉस का बेटा, अरे जिसने पता किया उसको ही नहीं पता कि ये उसका बेटा है। लेकिन तू जो है ना तू बड़ी साबित करने को लगी, तो एक काम कर अपनी जबान से मत बोल, रिहाना बॉस का अगर बेटा है ना वो रिहाना बॉस का सर्टिफिकेट बेटे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ला के तू बता, जो कुछ दिनों से तू बोल रही है ना कि वो रिहाना बॉस का बेटा, रिहाना बॉस का बेटा है। खैर हमको तो पता नहीं है, आई थिंक रिहाना आंटी को भी पता नहीं होगा, पर तुझे अगर पता है वो रिहाना बॉस का बेटा है तो सर्टिफिकेट ला के दिखा दे, जैसे हम प्रूफ दिखाते हैं तू कितनी बड़ी दोगली है, तू और तेरा भाड़े का पति, वो क्या ही बोलूँ उसको, खैर अभी बच्चे हैं पति है घर में कुछ बोल नहीं सकती, तो वो जो तेरा भाड़े का पति है तुम लोग कितने सच्चे हो उसका तो प्रूफ हमने हर बार दिया है। और रहा सवाल रिकॉर्डिंग का, तो बाकायदा मैंने नंबर के साथ अपने चैनल पे चलाया है, वो भी बहुत लोगों ने चलाया है, और उसकी आवाज़ तो सबको पता ही है कि बुढ़े का आवाज़ कौन सा है। तो तू भी ऐसा ऐसा कर, क्योंकि तेरे स्क्रिप्ट में ना अभी दम नहीं रहा, तू बच्चों को खींच रही माँ बाप को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हम बैठे हैं ना अगर वो लोग कमज़ोर भी पड़ गए ना, अगर रिहान आंटी सना इमरान भाई भाभी अगर कमज़ोर भी हो गया ना उनके बच्चों के लिए लड़ाई में, तो हम बैठे हैं उनको ताकत देने के लिए, क्योंकि हम भी माँ बाप हैं और हमको पता है कि अगर किसी मतलब बिना कारण अगर किसी के बच्चों को खींचा जाए तो कैसा लगता है। हम बैठे हैं उनको ताकत देने के लिए, उनके पीछे हम हैं, तो उनके बच्चों के लिए एक बोलेंगे तो हम 10 खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए, तो उसका टेंशन तू मत ले। और ये हम कोई प्रमोशन वमोशन के लिए नहीं करते बाबा, हम जो है ना ये किसी को लगता होगा हम चाट रहे ये हो, भाई हमको प्रमोशन की क्या जरूरत, हमारी प्रमोशन थोड़ी सना भाभी कर रही या फिर रिहाना आंटी कर रही, हमारा प्रमोशन कोई नहीं करता, हमारा चैनल हम खुद ही चलाते हैं। ये है कि किसी के बच्चों को बेवजह ना खींचा जाए, मासूम बच्चों को जिनका कोई रोल ही नहीं है सोशल मीडिया में, ना वो अपने माँ बाप के रोमांटिक वीडियो शूट करते हैं, ना वो अपने माँ बाप के कैमरामैन बनते हैं, ना सुहागरात की बिस्तर सजाते हैं, ना कुछ, उनको ना खींचा जाए। वो बेटियाँ है, एक बार मैटर उठा था तो उसको अच्छे से हमने सबक दिया था, अब अगर तू दिमाग चला के उनके माँ बाप को कमज़ोर करने के लिए उनके बच्चों को खींचेगी ना, कोई कटेली का टेक्निक इस्तेमाल करेगी, तो बेटा तेरा तो हम ऐसा हाल करेंगे ना कि तीसरी बार तो किसी के बच्चे का नाम लेने से पहले डरेगी। जैसे बढ़िया आंटी और कुलसुम पापा से तो डरती है, उनके बारे में तो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि पता है तुझे उनके बारे में, इधर मुँह खोला और टेटुआ दबा के तेरे मुँह से ना जबड़ा निकाल लेंगे। तो चलिए ये था एक मेरा ओपिनियन, एक छोटा सा ब्लॉग, अभी तो बस खाना खाना है, दाल है और ये मेथी है और ये तंदूरी है गरम कर रही हूँ, यहाँ पे दो तंदूरी है। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखी तो दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड डू कमेंट कीजिए। ये मेरे घर का हाल है, ये तीनों प्राणी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।